एक ओर जहां भारी बारिश ने लोगों के जीवन में दिक्कतों का अंबार लगा रखा है और लगातार मुसीबतें साथ ला रही है, तो वहीं इन्हीं दिक्कतों का सामना करके लोग रहने को मजबूर हैं। लेकिन कहते हैं कि जीवन जीने की ललक हो तो इंसान हर मुसीबत से खुद निपट सकता है। इसका एक उदाहरण सामने आया है मुरादाबाद के एक गांव से, जहां निवासियों ने बारिश के बाद पुल टूट जाने के बाद इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने पहले तो कई रास्ते खोजे और तमाम अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन जब अंत में कोई रास्ता नहीं दिखा तो गांव वालों ने खुद से जुगत लगाई और लकड़ी खरीद कर खुद ही पुल बना डाला। ग्रामीणों की माने तो बारिश और नदी में उफान की वजह से रास्ते का पुल नदी में बह गया था, जिसके बाद से उन्हें आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारियों की तरफ से कोई सहायता न मिलने पर ग्रामीणों को इसका हल खुद ही निकालना पड़ा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुल लकड़ी के पटरों को एक दूसरे पर डालकर और कई जगह पर तो बैलगाड़ी के पिछले हिस्से की मदद से नीचे सहारा देकर नदी में खड़ा किया गया है और फिलहाल लोग इस पर किसी तरह से आवाजाही कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोटर बाइक से भी आ जा रहे हैं। तो वहीं गांव वालों का कहना है कि उस जगह की ये हालत करीब 15 सालों से ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा है, कोई आला अधिकारी अभी तक वहां नहीं आए और वहां की स्थिति को जानने की कोशिश भी नहीं की। ये गोमतपुर गांव में रहने वाले जिस लोगों ने पुल बनाया है, लेकिन इस रास्ते पे आज से 15 साल से परेशानी है और 15 साल से उपरांत आज तक कोई देखने वाला नहीं है और 15 दिन 18 दिन पानी बराबर रहा है। यहाँ लकड़ी के पुल बनाने के बाद 10 रुपये 15 रुपये और बाकी फ्री में लोग निकलते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये तो पानी के जोर से टूटा है सर, बाढ़ का पानी, नदी के जोर से। उसके बाद कोई अधिकारी कोई नहीं आता, कोई देखने नहीं आता सर यहाँ कोई। तो फिलहाल इस मुसीबत का हल गांव वालों ने खुद निकाल कर पुल तो बना लिया है, लेकिन कब तक ये पुल इनका साथ देता है और इनके इस गंभीर समस्या पर आला अधिकारियों की नजर कब तक जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।